रामू यादव, मैं बिरार में रहता हूँ, ग्रिल का काम करता हूँ। अभी लॉकडाउन की वजह से अपना काम बंद है, इसके लिए गांव जाना पड़ रहा है। कल 11 बजे में कुछ 10 मिनट कम था, तब से लाइन में हूँ। आज टिकट मिल जाए शायद तो गांव जाना है। और टिकट के लिए तत्काल टिकट के लिए, क्योंकि काम बंद हो गया ना, इसके लिए अगर साइड काम भी चालू रहता तो आदमी का रोजी रोटी मिलता रहता था। सब एक बार बंद होने की वजह से आदमी को जाना पड़ रहा है। किधर जा रहे हैं आप? गाँव जाएंगे। यूपी सबका यही कहना है कि अभी लॉकडाउन लगेगा तो कब तक खुलेगा कुछ गारंटी नहीं, इसके लिए गांव निकल लेना सुरक्षित रहेगा। यहां पे बीमारी फैल रही है, वहां पे जाएंगे थोड़ा गांव डिस्टेंस रहता है शहर से, इसके लिए जाना सुरक्षित थोड़ा रहेगा। मैं वीरेंद्र साहनी, विरार ईस्ट में रहता हूं, काचमंगला के तरफ। मैं 6-7 दिन से घूम रहा हूं, इधर लाइन लगा रहा हूं, सेकंड नंबर से भी नहीं मिलता है, और फर्स्ट नंबर भी था तो भी टिकट नहीं मिला। बहुत परेशान है, फैमिली को लेके जाना है, बच्चे लोग हैं, टिकट और तत्काल में लेना है मुझे टिकट, फिर भी नहीं मिल रहा है, और वेटिंग में नहीं जाने देते हैं, इसलिए वेटिंग में नहीं मिल रहा है टिकट। वेटिंग में अलाउ शायद नहीं, अपने को मालूम नहीं है, लेकिन परेशानी बहुत है। 6-7 दिन से मैं भी घूम रहा हूँ, लाइन लगा के जाता हूँ, पहला नंबर रहता है तो भी नहीं मिलता है, सेकेंड नंबर रहता है तो भी नहीं मिलता है, वेटिंग हो जाता है। विरार से यूपी बलिया जाना है मुझे, पवन एक्सप्रेस का टिकट लेना है अपने को। सर, लॉकडाउन की वजह से जा रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, खाने जॉब नहीं है, काम नहीं चल रहा है, ट्रेनें बंद है सब आम पब्लिक के लिए, उसमें अलाउ नहीं है जाने के लिए। अभी सर, अभी मैं सुबह 4 बजे से कल भी आके गया था, और 4 बजे आज आ गया, और मैं 11 बजे से फिर लाइन लगाऊंगा, तो कल 11 बजे का टिकट अपने को तत्काल में मिलेगा, तो इतने अपने को टाइम लगता है। फिर आज रात भर भी रुकूंगा, कल 11 बजे अपना नंबर आएगा। यहाँ पर लोगों का 24 घंटा लोग खड़ा रह रहे हैं, फिर भी टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत परेशानी चल रही है टिकट के लिए, बहुत प्रॉब्लम है, मतलब बोल नहीं सकता है, लोगों को तकलीफ हो रही है बहुत। कहना ये है ना कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, और किसी को यूपी जाना है, उत्तराखंड जाना है, बिहार जाना है, तो लॉकडाउन से लिए बहुत परेशानी हो रही है, टिकट नहीं मिल रहा है लोगों को। 24 घंटा इधर खड़े रहते हैं, टिकट नहीं मिल रहा है, बहुत लोग अनगिनत है सर, काउंटिंग नहीं कर सकते हैं ना हम। हम ही लोग 6 परिवार हैं, हम भी लोग जा रहे हैं, तो ऐसा बहुत लोग जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से सर। तो कल शाम को 7 बजे से खड़ा मैं, कोई 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 तो 24 घंटा हो गया उनको खड़े खड़े नंबर में, और टिकट की लाइन के लिए गांव जाने के लिए। मेरे को लॉकडाउन के वजह से मुझे जाना है गांव यूपी उरई, लॉकडाउन के वजह से धंधा भी नहीं है, दुकानें सब बंद है, 7 से 11 चालू हो रही, उसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं हो रहा, लड़के लोग की पगार घर से भरना पड़ रही, इसके लिए मैं टिकट निकाला और जा रहा है यूपी उरई। कम से कम 24 घंटे हो गया बहुत से लोग को, किसी को 12 घंटे, किसी को 18 घंटे, किसी को 20 घंटे ऐसा हो गया लाइन में खड़े खड़े। सब क्या कह रहे, टिकट के चक्कर में खड़े हैं, अगर मिल रहा तो ठीक है, नहीं तो फिर कल फिर वापस लाइन लगाना पड़ेगी, आज ही से लगाना पड़ेगी दूसरी भी लाइन। अरे लॉकडाउन है, सब बंद है, क्या करेंगे, घर पर बड़े बड़े खर्चा हो रहा है फोकट में, लड़के लोग को, हमारी लड़के 8 लड़के 8 लड़के लोग को 12 अपना 3,000 रुपये रोज देना पड़ रहा है, दुकानें सब बंद है, कहाँ से देंगे 3,000 रुपये। Thank you.